खूबसूरत तस्वीरों को लेकर सुर्खियों में रहने वाली नोरा फतेही एक बार फिर से लाइमलाइट का हिस्सा बन चुकी हैं। बता दें कि नोरा अक्सर ही अपनी वायरल वीडियोस को लेकर भी काफी सुर्खियां बटोरती हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर उनका एक डांस वीडियो जमकर वायरल हुआ है, जिसमें एक्ट्रेस खूबसूरत बेली डांस करते हुए नजर आ रही हैं। वेल, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपसे नोरा फतेही से जुड़ी कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। अगर आप भी नोरा फतेही के बारे में सभी बातें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, एक्ट्रेस नोरा फतेही एक वक्त पर कई कॉन्ट्रोवर्सीज का हिस्सा भी बन चुकी हैं। हाल ही में डांस रियलिटी शो इंडियाज बेस्ट डांसर के मंच पर भी चैलेंज लुइस ने नोरा फतेही को गलत तरह से छुआ था, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई और वायरल होते ही वो लाइमलाइट का हिस्सा भी बन गई थी। तो वहीं रियलिटी शो बिग बॉस में हिस्सा लेने के बाद नोरा फतेही ने लाइमलाइट में रहने के लिए प्रिंस नरूला से काफी नजदीकियां बढ़ाई थी। उन्होंने शो के दौरान प्रिंस नरूला को किस भी किया। प्रिंस ने नोरा के लिए अपनी फीलिंग्स शो में सबके सामने जाहिर कर दी, लेकिन नोरा जल्द ही घर से बाहर हो गई, जिसके बाद प्रिंस का नाम एक्ट्रेस युविका चौधरी से जोड़ा गया। वह इसके अलावा नोरा फतेही का नाम नेहा धूपिया के पति अंगद बेदी के साथ भी जोड़ा गया, लेकिन नेहा धूपिया की वजह से अंगद बेदी ने नोरा फतेही को धोखा दे दिया, जिसके बाद एक्ट्रेस नोरा फतेही काफी वक्त तक डिप्रेशन का भी शिकार रही थी। लेकिन अब नोरा का नाम उनके मेकअप आर्टिस्ट के साथ काफी ज्यादा जोड़ा जाता है। दोनों एक साथ वेकेशन टाइम एंजॉय करते हुए घूमते फिरते और तस्वीरें और वीडियो शेयर करते हुए भी नजर आ जाते हैं। बता दें कि नोरा फतेही का जन्म एक मोरक्कन अरेबिक फैमिली में हुआ है, जिनका ताल्लुक पंजाब से है। नोरा फतेही आज बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा सुपर सेक्सी और ग्लैमरस डांसर और एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार होती हैं। नोरा के करियर की बात करें तो नोरा बचपन से ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने ऑरेंज मॉडल एजेंसी के साथ मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और एजेंसी वालों ने उन्हें इंडिया भेज दिया, जिसके बाद नोरा फतेही को कई टीवी एड्स में देखा गया। उन्होंने डव जैसी कई कमर्शियल एड्स में काम किया। बॉलीवुड एक्ट्रेस और डांसर नोरा फतेही को YouTube टाइमलाइनर्स की वीडियो लेडी स्पेशल में भी देखा गया। नोरा फतेही ने बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की साल 2014 में आई फिल्म रॉ टाइगर ऑफ द सुंदरबन से। इसके बाद नोरा फतेही को टॉलीवुड में भी कई मौके मिले और उन्होंने वहां पर भी अपनी दमदार पहचान बनाई। बता दें कि सुपरहिट फिल्म बाहुबली के सबसे फेमस गाने मनोहारी की शूटिंग के दौरान नोरा वार्डरोब मालफंक्शन का शिकार हो गई थी। तभी सेट पर मौजूद एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने उन्हें शर्मिंदा होने से बचा लिया था। वेल, नोरा ने दर्शकों के बीच खास जगह बनाए। रियलिटी शो बिग बॉस के सीजन 9 में आने के बाद उन्हें साल 2016 में एक और रियलिटी शो झलक दिखलाजा में देखा गया, जहां नोरा ने डांस का अपना असली टैलेंट दिखाया और सभी को अपना दीवाना बना लिया। वेल, इसके बाद नोरा फतेही को कई पंजाबी म्यूजिक एल्बम्स में भी देखा गया। हारी संधु के गाने नहा और रफ्तार के गाने बेबी मरवा के मानेगी में नोरा फतेही ने काफी लाइमलाइट बटोरी, लेकिन बॉलीवुड में एक्ट्रेस को पहचान मिली सत्यमेव जयते के आइटम सॉन्ग दिल बसे। इस गाने ने 24 घंटे के अंदर ही 20 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया था, जिसके बाद नोरा फतेही रातों रात फेमस हो गई थी। इसके बाद नोरा फतेही को साकी साकी और पछताओगे जैसे गाने में भी जबरदस्त अंदाज में डांस करते हुए देखा गया। वेल, नोरा सिर्फ एक शानदार डांसर ही नहीं बल्कि मार्शल आर्ट्स में भी काफी ज्यादा ट्रेंड है और वो काफी ज्यादा फिटनेस फ्रीक एक्ट्रेस भी मानी जाती हैं। वो अक्सर अपनी वायरल वीडियोस को लेकर सुर्खियों का हिस्सा बनी रहती हैं। तो वहीं नोरा फतेही कभी एक्सरसाइज करते हुए कभी योगा करते हुए अपनी कई सारी फोटोज और वीडियोस भी सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने ट्रांसपेरेंट फैमिली ड्रेस पहने भी अपना एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया था, जो आजकल काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। वेल, इसके बाद एक्ट्रेस के कैजुअल अवतार को भी काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। उनका एक कैजुअल अवतार नॉर्मल आउटिंग के लिए बिल्कुल बेस्ट है। वेल, आपको बता दें कि नोरा फतेही के फीमेल फैन फॉलोइंग भी काफी ज्यादा है और वो आजकल सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई है। वर्क फ्रंट की बात करें तो नोरा फतेही जल्द ही भोजपुरी द प्राइड ऑफ इंडिया फिल्म में नजर आएंगे। इस फिल्म में नोरा फतेही जबरदस्त आइटम सॉन्ग करते हुए दिखाई देंगी। खबरें हैं कि गाना माधुरी दीक्षित का सुपरहिट सॉन्ग चोली के पीछे क्या है का रीमिक्स सॉन्ग होने वाला है। इसके अलावा नोरा फतेही इस फिल्म में हिना रहमान यानी कि एक स्पाई की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगी, जो कि सबसे ज्यादा नया किरदार होने वाला है। वेल, आपको बता दें कि खबरें हैं कि नोरा फतेही बॉलीवुड के एक्शन हीरो यानी कि टाइगर श्रॉफ के साथ गणपत फिल्म में भी रोमांस करते हुए नजर आएंगी। तो दोस्तों, नोरा फतेही के बारे में सभी बातें जानकर आपको कैसा लगा और इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी चटपटी और मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।